पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर फर्स्ट के पांचवें पार्ट को देखेंगे। और इस पांचवें पार्ट में हम लोग आज एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा डेरिवेशन है इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं। अगर इस हेडिंग को हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और उसके बाद क्या है वैद्युत ध्रुव है और फिर क्या है बल युग्म का आघूर्ण है। तो पहले हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वैद्युत ध्रुव के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसको आप चेक कर सकते हैं, आपको इनकी थ्योरीज इनके लेक्चर वहाँ मिल जाएंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक यानी एक नया पॉइंट हमारा एक निकल के आया है बल युग्म, तो इसको जरा हम लोग देख लेते हैं क्या करिए बल युग्म क्या होता है। तो जरा देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके दो पॉइंट ए और बी है और इस ए ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट के ऊपर हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं और बी के ऊपर बल किस दिशा में लगा रहे हैं। तो देखिए दोनों बलों की जो दिशा है वो क्या है विपरीत। अगर लगाने वाले जो दो बल हैं उनकी दिशा क्या हो विपरीत हो लेकिन जो परिमाण है वो समान हो, परिमाण क्या हो समान हो यानी कि वो बराबर बल हो लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो विपरीत हो, तो उस लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं बल युग्म कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने बल युग्म समझ लिया क्या होता है। एक लाइन में अगर हम लोग बल युग्म को कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले दो विपरीत और बराबर बलों को ही हम लोग क्या कहते हैं बल युग्म कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या हमको देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने वैद्युत ध्रुव लिख लिया है। तो ये वैद्युत ध्रुव हमारा ए भी देखो वैद्युत ध्रुव है, यहाँ पर ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर कौन सा आवेश रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L है। और ये देखिए आप ये जो दिशा देख रहे हैं ये वैद्युत बल रेखा की दिशा है। तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा से ये जो हमारा वैद्युत ध्रुव है वो थीटा कोण पर रखा है। किस कोण पर रखा है थीटा कोण पर रखा है। तो यहाँ पर ये कोण कितना हो गया थीटा हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमको ये बीसी भी पता चल जाए। तो इस त्रिभुज को देखिए जो एबीसी त्रिभुज है, इस एबीसी त्रिभुज में अगर हमें बीसी निकालना है तो हम यहाँ पर एक रिलेशन लगा सकते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बीसी है, तो इस लंब की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे बीसी रखेंगे और कर्ण की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग ए बी रखेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके बी सी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब ए बी देखो हमको पता है कि ए बी कितना है 2L है, तो यहाँ पर आप 2L लिख लीजिए। तो 2L इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा क्या निकल आया बी सी निकल आया। ठीक है, तो अब हम लोग साइन थीटा के लिए ये निकाल चुके हैं बी सी हमारा कितना निकला है 2L साइन थीटा। क्लियर है, तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि कैसे निकला, हमने साइन थीटा का रिलेशन लगाया इस ट्रायंगल के अंदर और हमने बी सी निकाल लिया 2L साइन थीटा। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी हम लोगों ने उसको कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि इसमें हमको और क्या करना है। तो हम लोग कहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है जिसके ऊपर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं बल युग्म कहते हैं। तो इस माइनस क्यू के ऊपर एक बल इस तरफ और इसके ऊपर एक बल इस तरफ कार्य कर रहा है। तो देखो दोनों की दिशाएं दूसरे के क्या है विपरीत है। अब ये दोनों बल करेंगे क्या इस वैद्युत ध्रुव को घुमाने का काम करेंगे, इस वैद्युत ध्रुव को घुमाने का काम करेंगे। घुमा करके करेंगे क्या ये इस वैद्युत ध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का ये लोग क्या करेंगे प्रयास करेंगे यानी इसकी दिशा को रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे जिसे इस ठीक है। तो इसे रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि क्या लग रहा है बल लग रहा है और इसी बल को ही हम लोग क्या कहेंगे बल युग्म कहेंगे। क्लियर है, तो बल युग्म हम लोग समझ गए क्या होता है। अब इसमें देखिए जब ये बल जो है इनको क्या करेंगे घुमाएंगे तो उसके ऊपर क्या है इस एंगल की वजह से एक बल युग्म कार्य करेगा और उस बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र क्या होगा बल युग्म
का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि अगर हमें पता है कि बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण जो टाउ होता है वो क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो ये जो फार्मूला में लोगों ने लिखा है टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, वही यहां पर भी लगाएंगे बलयुग्म के आघूर्ण के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो देखिए बल कितना लग रहा है इसके ऊपर, F लग रहा था, तो हम लोगों ने बल कितना ले लिया, F ले लिया। अब क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी यानी कि हमारा जो लंब था वो कितना है, BC है, BC है, और BC की वैल्यू कितनी है, 2L sin थीटा है, तो हम लोगों ने 2L sin थीटा ले लिए। अब पहले लेक्चर में जब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि F is equal to कितना होता है, Q E होता है। तो आप किस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q E into 2L sin थीटा हो जाएगा ये। अब इसको अगर रीअरेंज कर लें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं Q into 2L E sin थीटा। अब देखिए Q into 2L भी हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q into 2L, तो इसके प्लेस पर रख दीजिए तो P into E sin थीटा किसके बराबर हो गया, हमारा टाउ बराबर, यानी हमारे पास जो द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण है उसके लिए सूत्र निकल के आया टाउ बराबर कितना, पी ई साइन थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। अब इसका हम वेक्टर रूप देख लेते हैं कि वेक्टर रूप इसका क्या होगा। तो वेक्टर रूप के लिए आपने पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये कब के लिए है, जब प्रोडक्ट ऐसा होता है डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग एक प्रोडक्ट दूसरा देखेंगे जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप यानी दिशा। तो ये वेक्टर फॉर्म के लिए हो गया यानी कि सदिश के लिए हो गया है, और ये किसके लिए है, अदिश के लिए, यानी सदिश गुणन है और ये क्या है, अदिश गुणन है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन एक जैसा है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्लियर है, तो इसे हम लोगों ने लिख दिया वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा हमारे पास पी ई साइन थीटा एन कैप। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर रूप टाउ इज इक्वल टू पी ई वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो अब जरा हम इसके केसेस के बारे में देख लेते हैं। केसेस में हम लोग देखेंगे, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू कितना पी ई साइन थीटा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला चूंकि हम लोगों ने यहाँ देखा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा था। अब हम लोग इसके दो केसेस लिखते हैं। पहला केस लिखते हैं व्हेन, केस फर्स्ट है व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ था, और अगर हम थीटा जीरो लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये अब समांतर हो जाएगा इसी के। तो समांतर होने की कंडीशन में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर थीटा जीरो लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, इसलिए टाउ कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, यानी टाउ मिनिमम ये निकल आएगा हमारा कितना, जीरो। इसका मतलब है कि अगर बलयुग्म यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में क्या करें, क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दें, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। क्लियर है, दूसरा केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90। अभी स्टार्टिंग में केस इस तरीके का था, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्षेत्र की दिशा के लंब होती है, यानी ऐसी स्थिति बनेगी, तो इस स्थिति में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रख दीजिए इसी फॉर्मूले में टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा में, तो टाउ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पी ई साइन 90। क्लियर है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपके पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू
PE और ये हमारे tau की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसमें से हम लिखेंगे tau max is equal to PE। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि मिनिमम में क्या निकल रहा था, tau मिनिमम हमारा जीरो निकल रहा था। जीरो कब हो रहा था? जब वो क्षेत्र की दिशा के क्या था, समांतर था। तो लंबवत हमारा कब हो रहा है? जब वो क्षेत्र की दिशा के क्या है, लंबवत है। और समांतर में जीरो आया था और लंबवत में कितना आ रहा है, पीई आ रहा है। जहां से हम एक परिभाषा निकाल सकते हैं, तो जरा उसको हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगी। तो हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास है tau max is equal to PE। तो इसे हम लिख सकते हैं P is equal to tau max upon कितना E। P is equal to कितना लिख दिया, tau max upon कितना E। अब देखते हैं एक एक टर्म को, जरा देखते हैं। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। tau max क्या है? हमारा बलयुग्म का आघूर्ण है। लिख लीजिए इसको ताकि डेफिनेशन आपको बनाना आसान हो जाए। बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ये हमारा जो है, इसे कहेंगे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो पी हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया हमारा बलयुग्म का आघूर्ण, और ई हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब मिली थी? जब थीटा कितना था, 90 डिग्री था, तब हमें ये क्या मिली थी, कंडीशन मिली थी। अब इसके लिए हम लोग परिभाषा देखते हैं क्या होगी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि एक समान, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ देखा था एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो हम लोग कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है, वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। किस स्थिति में? जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो, एकांक हो, और इस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण हो, वो क्षेत्र की दिशा की क्या हो, लंबवत हो। तो हम लोगों ने देखा, इसको अलग अलग करके देखा एक एक पार्ट के ऊपर। अब डेफिनेशन के तौर पे हम कैसे कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के लिए, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बलयुग्म के आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। यद्यपि वैद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, एकांक होनी चाहिए, और क्षेत्र की दिशा के कितना होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी इसकी देख ली, और ये आज हमारा ये टॉपिक जो है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का जो टॉपिक है, हमारा क्लियर हुआ। और ये चैप्टर नंबर 1 भी है, हमारा क्लियर हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर एक साथ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।